हर दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिविजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। आज हम प्रदेश में ऊंट वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, गौवंश और भैंस वंश हो चुका है। ऊंट वंश की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान पहला। राजस्थान में सबसे अधिक ऊंट कहाँ पे है? जैसलमेर। सबसे कम ऊंट प्रतापगढ़। ऊंटों के देवता को कहा क्या कहा जाता है? बाबू जी। ऊंट पालक मेवाड़ में रेबारी जाति, मारवाड़ में इसको रायका कह देते हैं। साथ चलने वालों को कतरिया कहते हैं। ऊंट का जो नवजात बच्चा होता है उसे टोडरी कहा जाता है। राजस्थान में अन्य नस्लें में गुरहा, कांची, केसपाल, अलवरी, कच्छी और जोधपुरी और सिंधी। ठीक है, सजावट की वस्तुएं जो ऊँट के लिए प्रयोग में ली जाती है, तंग, मोरखा, गोरबंद और पिलाण। केंद्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र अनुसंधान संस्थान जोहड़बीड़ बीकानेर, जो कि किसके द्वारा स्थापित किया गया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा 5 जुलाई 1994 में स्थापित किया गया था। ऊँट की नस्ल नाचना ऊँट, ये तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेरी ऊंट वंश ऊंट की नस्ल बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है और राजस्थान में 50% जो आता है बीकानेरी ऊंट पाए जाते हैं। जैसलमेरी ऊंट वंश ऊंट की नस्ल सवारी और रेतीले क्षेत्र में दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। गोमट ऊंट वंश ऊंट की यह नस्ल सवारी के लिए प्रसिद्ध है और ये फलौदी जोधपुर में ही पाई जाती है, गोमट। ठीक है, इस तरीके से ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का यहाँ तक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।